Hello everybody and welcome to non-stop ISRO celebrations India on the moon. So we are celebrating this with Sumbul Fahman guidance. So ye wala jo guide, ye wala book, as you know, this is my new deck. I had done the review of this deck, jo ki uska audio capture nahi hua tha, sadly enough, because of the Mercury impact. So be careful with your technology, don't take things for granted. ऑलराइट, ऑलवेज डबल चेक. अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेल्स, टेक्नोलॉजी, तो उसको डबल चेक कर लीजिए. मोबाइल को अगर चार्ज कर रहे हो तो देख लो कि सही में चार्ज हो रहा है, या फिर यू नो आप चार्जिंग में डाल दिए और वो चार्ज ही नहीं हुआ. तो इस तरह की छोटी छोटी ग्लिचेस हो सकती है टेक्नोलॉजी में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. एंड ये वाला जो कार्ड है, आई थिंक आई विल यूज इट फॉर सुम्बुल फहमान्स लव डायनामिक्स. इट विल बी ब्यूटिफुल, राइट? यू नो इट विल ब्रिंग आउट, ब्रिंग बैक द, देखो काफी बैगेज दोनों कैरी कर रहे हैं शायद. सो दिस विल ब्रिंग आउट द चार्म ऑफ देयर रिलेशनशिप. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू नो दैट यू नो समटाइम्स वी लाइक टू वॉच द ब्लैक एंड व्हाइट रोमांस ऑफ द यस्टर ईयर्स, क्योंकि उसमें एक इनोसेंस जो था वो बाहर आता है. उसमें जो एक इनोसेंस, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो होता है, वो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड से आएगा. Of course, we love the colors of why not, but sometimes we just want to go back in times and enjoy this black and white moments which were so innocent and they were so pure, jahan pe koi propaganda nahi tha, innocent cheeze thi. And I think you, Sumbul Fahman fan, also want to go back in times where their relationship was so fresh, there was such a beauty, wahan pe bas pyar tha aur ye thi, aur wahan pe koi, you know, शेड्स ऑफ ग्रे नहीं थे, कोई स्कीमिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं था. उनका रिलेशनशिप कितना प्यारा सा था, इनोसेंट था. तो उनका जो गॉन रोमांस, इफ आई कैन से, वी विल ब्रिंग आउट थ्रू दिस ब्यूटिफुल ब्लैक एंड व्हाइट डेक. देयर चाइल्ड लाइक रोमांस, आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट बिकॉज आई डोंट रियली नो देयर रोमांस, बट वट एवर. सो वट एवर देयर रोमांस वॉज, वट एवर देयर केमिस्ट्री वॉज, वट एवर देयर रिलेशनशिप वॉज, वी विल सी क्या ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स बताते हैं, क्या वो हमको वो गुजरे जमाने में लेके जाते हैं जहां पे आप कुछ अपनी नॉस्टैल्जिया, यू नो, वेर यू कैन फील द नॉस्टैल्जिया ऑफ द देयर केमिस्ट्रीज दैट मेड यू फॉल इन लव विद देम, एंड ऑल्सो यू काइंड ऑफ रिमेंबर, एंड यू ऑल्सो वंडर if that gone time is going to come back, right? So this beautiful cards will take you back in time, and how beautiful is that? So ye wala relationship dynamics ke liye use hoga. Actually I want to get started with doing this, but I'm just holding this back because I want to use this black and white ka charm in Sumbul Fahman ke relationship mein. But okay, let me hang on, let me hold my horses and let's get started with. चलो पहले फाइंड कर लेते हैं सुम्बुल की लाइफ में क्या चल रहा है, राइट? तो सुम्बुल के लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लिए मैं कौन सा कार्ड यूज करूंगी? लेट मी यूज अनदर डेक, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टेक दैट आउट. ऑल राइट गाइस, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल डेक दैट आई एम गोना बी यूजिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर डियर सुम्बुल्स लाइफ, एंड इट्स ऑल ब्रॉट टू यू बाय आवर ISRO scientists. Three of wands. Looking forward to something, your dear Sumbul? Let's see. Thank you, dear angels, for the divine guidance and blessings coming for all the fans. Who want to know what's happening in Sumbul's life? We thank you. Okay, so I have the card. Ye wala death ka card hai. Wow. Isn't this the same death ka card that we got in Fahman's reading? Aur wo environment mein tha. To, aur sab Fahman ke back of the deck mein tha. Knight of Cups in reverse. Yani ki ek lover boy jiska heart toot gaya hai. Heart toot gaya kyun bol rahi hu? Kyunki yahan pe three of sword tha. हाथ में तीन खंजर. तो एक लवर बॉय जिसके हाथ में तीन खंजर है क्योंकि उसके एनवायरमेंट में कुछ मर रहा है. और ये सुम्बुल के कार्ड में फर्स्ट कार्ड आना डेथ का क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है, राइट? आई हैव लेड द डॉट्स, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट नाउ.
जो भी चीज यहाँ पे मर रहा है ना, जो जो फामान देख रहा है अपने एनवायरनमेंट में मर रहा है, वो इसके एनवायरनमेंट वाला कार्ड था, जो भी अपने एनवायरनमेंट में देख रहा है मर रहा है ना, विदर आउट हो रहा है, वो सुम्बुल के लाइफ में राइट एट द सेंटर में है. राइट, ऑल राइट, ओके ओके, लेट मी पुल द कार्ड्स. द मजिशियन, यहाँ पे है द एम्प्रेस, यहाँ पे द एम्परर इन रिवर्स है. इस कार्ड में एक्चुअली यू नो यू हैव टू कार्ड्स, यू हैव ये जो आर्च टाइप्स है ना फॉर द एम्परर, यू हैव टू ऑफ देम. सो यू हैव अ मेल एम्परर एंड यू हैव द फीमेल एम्परर, यू हैव अ मेल किंग ऑफ वॉन्स एंड यू हैव अ फीमेल किंग ऑफ वॉन्स. सो इट्स लाइक दैट. द हाई प्रीस्टेस, द किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, एटीट्यूड इज दैट ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, एनवायरमेंट में क्या है पेज ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, होप्स एंड फियर्स में क्या है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और फाइनली क्या हो रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, सो लेट मी कीप दिस कार्ड ओवर हियर. कैन यू सी दैट? एक कार्ड नीचे गिर गया है. आई डोंट नो मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन, से पॉजिटिव एफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो मुझे एक एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही थी और इस कार्ड से वो कन्फर्म हो गया है कि सुम्बुल अपने लाइफ में, सुम्बुल इन हर लाइफ इज वर्किंग ऑन मैनिफेस्टिंग समथिंग. उसकी एनर्जी जो है बहुत ही करियर ओरिएंटेड है. ओके, अब मैं ये कन्फर्मेशन तो हो ही गया है और जो जिस कार्ड से मुझे ये वाइब्स मिल रहे थे वो ये है. पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट यू नो टेकिंग बेबी स्टेप्स टू स्टार्टिंग समथिंग. शायद उसके कोई नया प्रोजेक्ट है, शायद आपने कॉमेंट्स में भी किया मैंशन किया हुआ था कि कोई नई प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है. तो या पेज ऑफ पेंटिकल्स, बेबी स्टेप, कोई नया प्रोजेक्ट है, बेबी स्टेप, पेज छोटा वो स्टार्ट कर रही है, तो वो उसी के मोड में है. कोई नया प्रोजेक्ट है ना तो उसी में देख रही है कि ये, जैसे कि अगर आप यहां पे देखो तो दिस इज अ you know you water the plants with this, so she is watering her projects, she is focusing on that. और यहां से भी हमें यही पता चलता है कि वो अपने करियर पे ही फोकस है, कुछ अचीव करना चाह रही है, उसी को ग्रो करने में फोकस है वो. तो ये उसका एटीट्यूड है सुम्बुल का अभी फिलहाल. ऑल राइट, उसके लाइफ के सेंटर में क्या हो रहा है? देखो उसके लाइफ के सेंटर में जो है एक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है. कुछ चीज उसके लाइफ में मेजर वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. वाई मेजर वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? क्योंकि ये मेजर अर्काना का कार्ड है. तो मेजर वे में लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, ये हमें पता चल रहा है. और ये जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके, ये जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, it's more like you know she is fine with it, absolutely. let me talk about this. agar ye card dekho transformation ka hai to ye bahut hi ek shant sa card hai, right? it's not like ki wo kuch grieve kar raha hai. okay, kyunki usually jab hum death mein transformation mein jate hain, अगर ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड आपने यहां पे देखा होगा फामान का या फिर बाकी जो भी कार्ड्स मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. वो एज इफ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है. यहां पे भी डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही है, लेकिन यहां पे दिस गर्ल इज समवॉट फाइन विद दिस, राइट? बिकॉज यहां पे कुछ नई चीजें ग्रो हो रही हैं, ऐसा लग रहा है. एक बटरफ्लाई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड शी इज लुकिंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो वाइल कल के कार्ड की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना वो फहमान को खाए जा रही है, यहां का ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके, शी इज फाइन विद द ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज है. अब यहां पे देखिए मैजिशियन का कार्ड है. अब मैजिशियन का कार्ड क्या है? Somebody tapping into their power. They want a magician ka card is all about your manifestations. आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो और आप चारों तरफ से उसको अटैक कर रहे हो, माइंड से, एक्शन से. माइंड से मेरा मतलब है कि आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं. वॉन्ड से मतलब उसके लिए एक्शन ले रहे हो.
कप्स से, एज इन आप इमोशनली अटैच्ड हो उससे, पेंटिकल से आप प्रैक्टिकल हो, यानी कि हर तरफ से आप जो भी चीज ग्रो करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें फोकस्ड हैं। और शायद इसीलिए ये डेथ जो हो रही है किसी चीज की, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, शी इज फाइन विद दिस। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का है, ये उसके पर्सनल लाइफ का हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, उसके किसी एक डिफिकल्ट फेज का हो सकता है, जो कि कोई भी किसी भी एंगल से रिलेट हो सकता है। बट वॉट एवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ही एक चीज तो मैंने पिक किया, क्योंकि फामान के कार्ड में भी जो हमने करियर का किया था वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ही था, और यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम आगे में एक्सप्लोर कर लेंगे कि वेदर दिस, what is the reason for this transformation, या जो भी है, but fine, for at the moment you should understand that she is going through that transformation, वो कुछ चेंज कर रही है शायद अपने लाइफ में, and she is focused on that, and she is totally focused on that, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में। अब यहां पे जैसे कि ये कार्ड ने आके गिर के, दूसरा कार्ड है, दूसरे डेक का कार्ड है, गिर के इसने बता दिया है कि she is totally focusing on her manifestations, mostly career। The Empress card at the subconscious level पे वो क्या बताना चाह रहा है कि उसका फोकस अभी ग्रोथ है, वो ग्रोथ अपने करियर में ग्रोथ चाहती है, उसी पे फोकस है, वो बहुत ग्रो करना चाहती है। अगर यहाँ पे देखिए तो सबकॉन्शियस में ये जो लेडी का फ्लावर है, ये जो एम्प्रेस का फ्लावर है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जबकि यहाँ पे जो अभी मेन फेज में वो जा रही है उसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब है उसके सबकॉन्शियस में ये ड्रीम है कि वो बहुत ज्यादा फ्लावर्स, आई मीन यू कैन से दैट शी वॉन्ट्स टू वेयर दिस ड्रेस ऑफ अबंडेंस ग्रोथ इन हर लाइफ। ये उसका सबकॉन्शियस पैटर्न है, और क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न है तो यही फोकस भी है वो, शी इज दिस फ्लावर्स आर मेकिंग वे इन टू लाइफ। और ये जो रिब्स देख रहे हो ना, ये सारे, अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो यहां पर हमारा हार्ट होता है, राइट, और यहां पर जो हार्ट है वो रिब्स बन गए हैं, यानी कि यहां पर हार्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी वो हार्ट से सोच ही नहीं रही है। और ये सारे जो इसके मैनिफेस्टेट, एम्प्रेस इज मोस्टली अबाउट ग्रोथ, ओके, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ग्रोथ, और यहाँ पे पूरा फ्लावर्स है, तो फोकस यही है कि शी इज कंज्यूम्ड बाय हर ड्रीम्स, वर्ल्डली सक्सेस, प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें हैं। तो इस पे अभी उसका हार्ट आप देखो तो एक्चुअली नहीं है। आई मीन आई डोंट नो, इज इट ओके फॉर मी टू टेल दैट राइट नाउ शी इज लाइक अ हार्टलेस, लाइक वो इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल होके अपने अपने सक्सेस के बारे में सोच रही है, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रही है, ये सारी चीजों के, क्योंकि दिस इज ऑल स्केलेटन हियर। एनीवेज, इस वो अपने ग्रोथ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, इसको ही आगे लेके जाना चाह रही है, ठीक है। ये चीजें हैं, यहां भी मैजिशियन एनर्जी से उस पर काम कर रही है, उसका फोकस उसके काम पे ही है, तो ये उसके सबकॉन्शियस से आ रहा है, बाय द वे। ऑलराइट, यहां पे देखो पास्ट में क्या है, पास्ट में भी वो एम्परर की ही, पास्ट में वो एम्परर की एनर्जी में थी, लेकिन ये एम्परर एनर्जी जो है ये अपसाइड डाउन है, यानी कि ये अपने शैडो साइड में है, यानी कि एम्परर कौन है, जो कि लंबी रेस का घोड़ा बना, आई मीन एम्परर तो वही होता है जो कि ही इज ऑलरेडी अराइव्ड, एक्चुअली ही हैज द मेच्योरिटी, ही हैज बीन इन द गेम, बट या क्योंकि ये शैडो साइड में है, तो पास्ट में उसने बहुत ही पास्ट के जो उसके डिसीजंस थे लाइफ के सोफा वर नॉट गुड डिसीजंस ऑफ हर लाइफ, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये एम्परर इन रिवर्स है। अगर वो एम्परर शैडो में नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने अपने लाइफ में दूरदर्शिता से, लॉन्ग साइटेड होके आपने डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि एम्परर कौन होता है, एम्परर इज समबडी हु हैज सीन एवरीथिंग, और जो अपनी हर चीज, जैसे कि आपके दादाजी हैं, दादाजी ने आपकी जिंदगी देख ली है, राइट, तो कोई चीज आपको अच्छी लगे तो, और आपके पिताजी को भी अच्छी लगे, लेकिन दादाजी बताएंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है, उन्होंने उतार एंड चढ़ाव देखा है। दादाजी हो सकता है कि इंडिपेंडेंस के जमाने के पहले के होंगे, तो उन्होंने देखा है कि कैसे एक छोटे छोटे चीज के लिए हम लोगों को फ्रीडम नहीं हुआ करता था, राइट, लेकिन अब क्या है, हम फ्रीडम को मिसयूज करते हैं। तो सेम वे मैं बोल रही हूं कि एक एम्परर जो है उसमें मैच्योरिटी होती है प्रॉपर डिसीजंस मेकिंग की। यहां पे देखो लड़ाई हो भी रही है एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन क्योंकि आपको चीजों का शायद वैल्यू नहीं है उतना मैच्योरिटी नहीं है,
इतनी दूरदर्शिता से आपने काम नहीं लिया है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको दूरदर्शिता आती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप मेच्योर डिसीजंस नहीं ले सकते थे। अगर आप मेच्योर डिसीजंस नहीं ले सकते थे तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड ही नहीं आता, यहाँ पे कोई पेज का कार्ड आता। यू अंडरस्टैंड? सो टू टेल दैट कि ये इमेच्योरिटी के कारण ये डिसीजन हुआ है, ये गलत बात होगा। ओके, यहाँ पे आप एम्परर हो, यानी कि आप में एम्परर की क्वालिटीज तो है, आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस, अच्छा डिसीजंस ले सकते थे, लेकिन आपने शायद जानबूझ के ही वो डिसीजंस नहीं लिया है। दिस इज वॉट द कार्ड्स आर टेलिंग एंड आई एम गोना स्टिक टू दैट। ओके, सो दिस इज वॉट इट इज। अगर यहाँ पे एक अब जैसे क्या बोलते हैं ना कि इमेच्योरिटी नहीं है, एज के कारण मेच्योरिटी नहीं है, तो अगर एज वाली मेच्योरिटी होती, इमेच्योरिटी होती, तो यहां पे कोई पेज का कार्ड आता। यहां पे एम्परर जो कार्ड होता है वो हाईएस्ट लीग का कार्ड होता है एक्सपीरियंस में। पहले पेज होता है, फिर नाइट होता है, फिर क्वीन होता है, एंड देन एम्परर होता है, फिर किंग होता है, फिर एम्परर होता है। तो स्पिरिट गाइड्स ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि जहां पे एक बच्चे वाली कोई एक बच्चों वाली गलती होती है ना, कि जानबूझ के आपने नहीं गलती किया, आपको इमेच्योरिटी हो, आप बच्चे हो, तो आपने ये मिस्टेक कर दिया। तो स्पिरिट गाइड्स को पता है कि कौन सा कार्ड कहां पे देना है। पास्ट में आपने जो मिस्टेक्स की हैं आपने जानबूझ के की हैं। ओके, तो ये वो चीजें हैं। अपने शेडो साइड में आपने जानबूझ के कुछ किया है, शायद यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग शॉर्टकट्स, वो सब चीजें हो सकती हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इफ यू आस्क मी फॉर अ गाइडेंस, यू गेट अ ऑनेस्ट गाइडेंस। सो That is what it is. अभी कॉन्शियस लेवल में क्या है कि कॉन्शियस लेवल में देखो, बहुत एक्चुअली रीडिंग बहुत ही फ्लो में जा रही है। कॉन्शियस लेवल में सुम्बुल अपने शिप का वेट कर रही है, ठीक है, पर उसको बहुत ही मिस्ट्री अराउंड। देखो यहाँ पे वैसे तो थ्री ऑफ वॉन्स में शिप का स्टोरी होता है कि कोई अपने शिप के लिए वेट कर रहा है, लेकिन ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यानी कि वो थोड़ी काफी क्लूलेस भी है कि जो भी वो डिसीजंस ले रही है, जो भी ये काम कर रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा उसको नहीं पता है। बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर हर शिप टू अराइव। शिप टू अराइव का मतलब क्या है, यहां पे जो मैंने सब बताया ना कि वो आंख बंद करके बस अपने काम पे या करियर पे ही फोकस कर रही है, और हर मेहनत कर रही है, हर चीज कर रही है, प्रोजेक्ट्स पे मेहनत कर रही है, उसको पानी डाल रही है, ये ग्रो करेगा, ये सब वेट कर रही है, लेकिन ऑफकोर्स उसको पता नहीं है कि ये जितना भी मेहनत हो रहा है ये क्या इसका रिजल्ट होगा उसको नहीं पता है। पर वो डेफिनेटली वेट कर रही है अपने शिप के अराइव करने का, अपने अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रही है। ओके, क्योंकि पास में भी शायद उसने इसी तरह से कुछ डिसीजंस लिए थे जो कि बैकफायर हो गया, उसने जितना सक्सेस सोचा था उसको वो सब नहीं मिला है, क्योंकि एम्परर इन शैडो में। क्योंकि देखो आपको इट्स जस्ट लाइक यू नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, लेट अलोन अदर्स। अगर आप अपने से ऑनेस्ट हो ना, तो इट्स जस्ट लाइक यू बी ऑनेस्ट विथ यू योर सेल्फ एंड डू द राइट थिंग्स। तो यहां पे कुछ तो है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखो एनवायरमेंट में, अब यहां पे जो ये चिंता बनी हुई है ना, इसको मैं कनेक्ट करूंगी उसके एनवायरमेंट से। सो वॉच आउट। यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में क्या है, यहाँ पे सारी मेहनत कर रही है, ऑब्वियसली उसके ड्रीम्स हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी लाइक दिस एम्प्रेस, सक्सेसफुल, और यहां से ही सबकॉन्शियस से वो चीजें यहाँ पे कर रही है। चीजें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी आंख बंद करके उसने किसी एक तरफ ही फोकस कर रखा है, देख रहे हो, मैंने कि ऐसा है कि वो उस तरफ देखना ही नहीं चाह रही है। हालांकि ये वाला बड़ा फूल है, सुंदर भी फूल है, आई जस्ट फेल्ट दैट, बट शी इज मोर फोकस्ड ऑन दिस साइड, है ना, उस तरफ नजर भी नहीं है उसकी और वो यहां पे ही फोकस कर रही है। चलो ठीक है, क्योंकि इसके सबकॉन्शियस, अगर आप देखो तो सबकॉन्शियस की जो ये नीड है यहां तक आ चुकी है, अब ये आगे बढ़ेगा, और यहां पे वो मेहनत भी कर रही है, हर चीज कर रही है, नो प्रॉब्लम, यहां पे भी मेहनत कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पे भी वो मेहनत कर रही है, वॉच आउट फॉर हर रिजल्ट का वेट कर रही है, अपने शिप का अराइव कर रही है, नो प्रॉब्लम। पास्ट की यहां पे एक शैडो एनर्जी है जो हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, यहां पे उसको थोड़ा सा, यहां पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर इसका क्या होगा नहीं होगा अभी भी कंफ्यूजन है, वहां पे चीजें बहुत क्लियर नहीं है वहां पे। और चीजें क्यों क्लियर नहीं है यहां पे, क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ है जो कि क्लियर नहीं है उसके। पेज ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, ऑल राइट, एनवायरमेंट में कुछ, क्योंकि यहां पे हाई प्रीस्टेस से वो क्लियरली फील कर पा रही है कि कुछ तो चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, मेहनत कर रही है, शिप आएगा नहीं आएगा, बट कुछ चीजें क्लियर नहीं है। अब ये जो क्लैरिटी नहीं है ना उसके कॉन्शियस लेवल में, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड फोकसिंग ऑन हर ड्रीम्स एंड
फोकसिंग ऑन हर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ये कहाँ से आ रहा है? ये लैक ऑफ क्लैरिटी आ रहा है उसके इन्वायरमेंट से. इन्वायरमेंट में कुछ चीजें वो शायद इग्नोर कर रही है, क्योंकि यहाँ ये वाला कार्ड भी उल्टा आया है. अगर यहाँ पे ये कार्ड देखो तो ये बंदा मैग्नीफाइंग क्लास से लेके कुछ चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है. अब कोई मैग्नीफाइंग क्लास से कुछ चीज को देखने की कोशिश क्यों करेगा? अनलेस एंड अंटिल देयर इज समथिंग सस्पिशियस या पिक्यूलियर जो कि देखना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि डेली कोई भी बंदा मैग्नीफाइंग क्लास दे के चीजों को देखते फिरता है. लेकिन अगर कोई यहाँ पे इन्वायरमेंट में बैठ के अपने इन्वायरमेंट को मैग्नीफाइंग क्लास से देख रहा है तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग that she is probably not able to see, probably, yeah? क्योंकि अगर ये देखो तो ये रेड कपड़ा पहना हुआ है और ये रेड फ्लैग होता है. तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि शायद उसको आंख खोल के कुछ देखना चाहिए जो कि शायद वो नहीं देखना चाह रही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इन्वायरमेंट में उसके कुछ यहाँ पे भी रेड कलर्स है. तो आई डोंट नो इफ इट मीन्स कि इन्वायरमेंट में कुछ रेड फ्लैग्स है जिसको उसको आंख खोल के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहिए, पर वो शायद इग्नोर कर रही है. क्या वो जानबूझ के चीजों को इग्नोर करती है? यू नेवर नो. बट या डेफिनेटली उसके इन्वायरमेंट में कुछ चीज है जिसको वो थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना और परखना चाहिए. ऑल राइट, क्यों देखना परखना चाहिए भाई? यहाँ पे हमारा आंसर्स भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि कोई किंग ऑफ सोर्ड है उसके एनवायरमेंट में जिसने अपनी एक आंख को छुपा के रखा हुआ है. ठीक है, ये उल्टा था ना. ओके, तो कोई इन किंग ऑफ सोर्ड है उसके एनवायरमेंट में जो कि अपने दोनों आंखों को नहीं दिखा रहा है और शायद एक आंख से उस पर नजर भी रखा है, समथिंग लाइक दैट. बट क्योंकि ये शैडो साइड में है उसके एनवायरमेंट में, क्योंकि ये तुरंत यहां पे ही अगर दोनों कार्ड देखो तो आमने सामने हो गए थे. मुझे लगता है कि कोई किंग ऑफ सोर्ड उसके एनवायरमेंट में है जिसको उस पे जिसको उसको ठीक से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों यू नो दे आर लाइक आई टू आई. एक आई यहां पे भी देखो, इसका एक आंख ज्यादा बड़ा हो गया है पर एक आंख इसने कवर कर लिया है. मुझे लग रहा है कि इस बंदे पे उसको थोड़ा सा, आई डोंट नो, किंग ऑफ सोर्ड है, मेच्योर आदमी है, इस पे थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए. ओके, सो देर इज समथिंग इन हर एनवायरमेंट दैट नीड्स हर अटेंशन, मोर क्लियर अटेंशन, आई फॉर डिटेल, अच्छे से समझना चाहिए, बट प्रोबेबली शी इज नॉट डूइंग दैट और इसीलिए क्लैरिटी नहीं है. बट एनीवेज, होप्स एंड फियर्स में क्या है? अगेन द सेम थिंग, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. मेहनत कर रहे हैं तो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही चीज है. यहाँ पे काफी होपफुल, अगर ये सारे कार्ड देखो तो काफी पॉजिटिव है. अपने काम पे काम कर रही है, मेहनत कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है. और ये वाला कार्ड अलग से आके हमें एक्चुअली ये पूरे रीडिंग को नटशेल में बता रहा है कि हाउ शी इज वॉन्टिंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इन हर लाइफ, मोस्टली आई थिंक करियर. और यहाँ पे क्या है कि बैलेंस, शी इज ऑल्सो वेरी होपफुल, शी इज पॉजिटिव, शी इज होपफुल. और ऐसा भी लग रहा है कि यू नो शी काइंड ऑफ इज वेटिंग फॉर हर टर्न. जैसे कि टीपॉट देख रहे हो ना, टीपॉट से इसको चाय मिल रही है या फिर पानी आ रहा है, एंड शी इज लाइक शी इज वेटिंग फॉर हर ओन टर्न, राइट? क्योंकि इसके टीपॉट में अभी तक पानी नहीं आया है, तो शी इज वेटिंग फॉर हर ओन टर्न. और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वो मेहनत कर रही है, फोकस उसका वही है. इसके ये ड्रीम्स ये है कि वो एम्प्रेस बने, वो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही है, उसको पानी भी डाल रही है, एंड ऑल दोज थिंग्स ये सब हम देख रहे हैं. तो शी इज वेटिंग फॉर हर टर्न पेशेंटली कि उसको भी रिजल्ट्स मिलेगा उसके मेहनत का, ये हम देख रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो और क्या हमको देखना है? गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है? ये उसकी अभी की एनर्जी है. गोइंग फॉरवर्ड एक किंग ऑफ सोर्ड आ गया है यहां पे. अब गोइंग फॉरवर्ड किंग ऑफ सोर्ड यहां पे क्या कर रहा है? यहाँ का मैं क्लैरिफायर निकाल के देखूंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे. बट अगर हम आगे भी जाएंगे कि उसके लाइफ में अभी क्या होगा, तो यहाँ पे भी यही है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स से वो निकल रही है. तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स यानी कि लैक, स्कैरसिटी से बस निकल भर रही है. यानी कि क्योंकि ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है पर उल्टा है, तो इतने मेहनत का ऐसा लगता है कि जितना रिजल्ट शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है वो उसको उतना रिजल्ट नहीं मिले. क्योंकि यहां पे आप जिस तरह से देख रहे हो, मजिशियन की एनर्जी लगा के मेहनत कर रही है, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, एम्प्रेस वाली ड्रीम्स हैं, मेहनत भी उतना है, उसी पे एक चीज पे फोकस है.
पर रिजल्ट जो है वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बस अपोजिट है, यानी कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स आता तो पॉवर्टी, और यहाँ पे उल्टा आ गया है तो पॉवर्टी से बस बाहर भर निकल रही है। लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद बस इतना रिजल्ट क्यों मिल रहा है? यहाँ पे अगर वो मेरी अगर कोई पर्सनल क्लाइंट इस तरह का रिजल्ट, इस तरह की एनर्जी होती तो मैं बोलती कि यहाँ पे आपका एरिया ऑफ वर्क है, यहाँ पे आपको कुछ देखना चाहिए जो आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या चीज आप इग्नोर कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, सही है, लेकिन क्या हमको कभी आंख बंद करके किसी चीज पे मेहनत करनी चाहिए? हमको अपने आंख खोल के मेहनत करनी चाहिए। रेड फ्लैग्स है, हमारा मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा इंटेंशन सही है, इज देयर इज समथिंग दैट सीम्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू, क्या हमें कोई बेवकूफ बना रहा है, क्या हमको कुछ ओवर प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या हम किसी के चक्कर में आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ चीज को देख नहीं रही है, राइट? समटाइम्स क्या होता है कि हम चीजें बहुत टू गुड टू बी ट्रू होती है। आई थिंक यू नो दिस फ्रेज, राइट? थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू। इफ थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू तो उसको हम अपने लालच में ही इग्नोर करते हैं। यहां पे देखो शैडो साइड है, तो यहां पे द वेरी फैक्ट कि उसको इतने सारे मेहनत का इतना, आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रिकलिंग हो रहा है, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है एक पॉवर्टी का कार्ड होता है और इससे बस वो निकल मात्र ही रही है। तो बेस्ड ऑन दिस कार्ड आई कैन से कि हो सकता है जितना मेहनत वो कर रही है डेफिनेटली वो थोड़ा तो अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हो। मुझे तो लग रहा है यहां पे तो वो एम्प्रेस के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है। एम्प्रेस इज द कार्ड ऑफ सुपर क्रिएटिविटी, बेसिकली अ चाइल्ड बर्थ, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। आई मीन इसके इतने सारे फ्लावर्स और इसके ड्रेस से ही देखो, यहां पे देखो कि कैसा नैरो है इसका ड्रेस और यहां पे कितना फ्लेयर्स है। तो इतना ग्रोथ आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको बस एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स है जहां पे स्नोफॉल भी हो रहा है, आप बिल्कुल यहां पे अगर देखो तो एक पिंजरे में फंसे हुए से लग रहे हो, इससे बस आप बाहर भर भी निकल रहे हो। तो इतना सक्सेस, आई मीन दिस इज जस्ट लाइक, एक्चुअली दिस इज नो बेटर इफ आई कैन से दैट, बट या दिस कुड बी डिसअपॉइंटिंग जो कोई इतना मेहनत करे तो बस मेयर सर्वाइव कर पाए, तो ये सी चीजें हैं। एनी वेज दैट इज वॉट इट इज। तो अगर वो उसको एरिया ऑफ वर्क है तो क्या है एरिया ऑफ वर्क? डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, ओके? यहां पे आपका वर्क है, अपनी आंखों को जानबूझ के बंद करके मत बैठो, यहां पे वर्क करिए, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड भी कोई आ गया है, अब ये क्या होगा हमको देखना पड़ेगा। बैक ऑफ द डेक में मैं चेक कर लूंगी कि क्या है। एक मिनट, हैंग मैन है, राइट? शी इज काइंड ऑफ वॉक, जब मैं शफल कर रही थी तो थ्री ऑफ वॉन्स आया था ना, जो मैंने बोला था ये किसी चीज का वेट कर रही है। ये थ्री ऑफ वॉन्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये वो शिप का कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्स का जो कार्ड होता है वो शिप ऑफ, यू नो, इट्स वेटिंग फॉर योर शिप, यानी कि आपने एक्शंस ले लिया है, आपने प्लानिंग कर ली है, आप मेहनत कर रहे हो और अब आप अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पे वही बात है ना कि अगर हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक ही चीज पे फोकस्ड हैं और एक तरह के टनल विजन हो गए हैं, जैसे कि होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, आपके ड्रीम्स हैं और आप बिल्कुल उसमें, या फिर फॉर एग्जांपल ले लो कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है और वो बिल्कुल कंज्यूम हो गया है कि नहीं मुझे यही करना है, उसने फैमिली मेंबर से बात करना बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं करता है, बस उसी बंद रहता है, उसी को ड्रीम, यू नो, स्लीप क्या बोलते हैं उसको, स्लीप ड्रिंक ईट ऐसा कर रहा है, और मान लो कि उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है ना, वो चीज हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या बोला जाता है कि प्रैक्टिकल रहना है, चीजों को भी नजर रखना है, क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या चीजें गलत हो रही हैं, उन अगर यहां पे ये ध्यान दे तो ये जो गलती हो रही है शायद उसको ठीक किया जा सकता है। बट क्योंकि आप एनवायरमेंट में ही किसी चीज पे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो जो कि शायद आपको देना चाहिए, तो ये आपको शायद, आप मेहनत तो सही कर रहे हैं, यू नो, मेहनत में कोई कमी नहीं है यहां पे, एक ईमानदारी से मेहनत हो रहा है, मगर ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई मिसलीड करके उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जहां पे आप जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, समझ रहे हो? तो ये मिसलीडिंग हो सकता है। यहां पे बस यही है कि वो हैंग्ड मैन है और
अपने ये हैंग्ड पोजीशन से वो बाहर निकलना चाह रही है, यानी कि चीजें थोड़ी स्टैंड स्टिल पे हो गई होंगी उसके लाइफ में, वो उससे बाहर निकलना चाह रही है। और शायद इसीलिए, क्योंकि वो बाहर निकलना चाह रही है, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, शी इज काइंड ऑफ फाइन। देखो ये ना तो यहाँ पे खुश है ना तो ये बहुत दुखी है, इट्स जस्ट लाइक कि वो बस इधर ही फोकस्ड है ना। शी इज नॉट सैड, शी इज नॉट हैप्पी, शी इज जस्ट लाइक शी वॉन्ट्स टू फोकस हियर, फोकस हियर, फोकस हियर। यहाँ पे वो बड़ा सा फ्लावर है उसको देख भी नहीं रही है, सो शी इज मोर फोकस्ड ऑन वॉट इज हियर रादर देन वॉट शी हैज इन हर अनदर हैंड। ये वाला अगर फ्लावर का स्टेम देखो तो ये इसके हाथ में है और यहाँ पे ये फोकस्ड है। एनीवेज दिस इज व्हाट इट इज। तो ये उसकी लाइफ एनर्जी है। अब हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आई विल डू वन थिंग। ये जो इसका किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, मैं इसका क्लैरिफायर निकाल के कोशिश करती हूँ पता करने का कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एक किंग ऑफ सोर्ड भी शैडो में आ गया है। अब ये किंग ऑफ सोर्ड इसकी अपनी एनर्जी है जहां पे वो डिसीजन ठीक से नहीं ले रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड, सोर्ड इज अबाउट योर माइंड इंटेलेक्ट, जहां पे आप प्रॉपर डिसीजन लेते हो। और यहाँ पे अगर आप देखो एम्परर इन शैडो है, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, मेहनत है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से किंग ऑफ सोर्ड है जो कि डिसीजन मेकिंग गलत हो रहा है, राइट या फिर वो किंग ऑफ सोर्ड के अपोजिट ऑफ शैडो में आ गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो कुछ चीजों को इग्नोर कर रही है। क्या किंग ऑफ सोर्ड जानबूझ के कुछ चीजों को इग्नोर कर रहा है या फिर ये कोई और है, तो हम देखते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी डाल के व्हाट वी नीड टू नो अबाउट दिस किंग ऑफ सोर्ड। एनी क्लैरिफायर डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, दिस वॉन्ट्स टू कम आउट, किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड का क्लैरिफायर किंग ऑफ कप्स, और यहां पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। और टेन ऑफ पेंटिकल्स में कौन आता है भाई, टेन ऑफ पेंटिकल्स में आती है फैमिली। ऑल राइट, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आती है फैमिली, नो लाइक फैमिली का पैसा, फैमिली में पैसा रहना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब देखो, लेट मी रीड द कार्ड्स एज इट इज, ओके, एंड होल्ड योर हॉर्सेस देयर। तो द कार्ड्स आर टेलिंग कि किंग ऑफ सोर्ड जो है, जो कि एक उसने अपना एक आंख छुपाया हुआ है, अगर ऐसा रहता तो भी ठीक है, क्योंकि ये उल्टा पूरा पड़ गया है तो ये पूरी तरह से शैडो साइड में है। और ये जो दिमाग बहुत चलाता है, ठीक है, स्कीमिंग भी कर सकता है, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है ना, सोर्ड दिमाग का कार्ड होता है ना, तो जरूरत से ज्यादा गलत जगह पे दिमाग चलाना होता है। अब ये क्लैरिफाई हो गया है किंग ऑफ कप्स से, यानी कि किंग ऑफ कप्स के अगेंस्ट में हो सकता है ये जो किंग ऑफ सोर्ड है स्कीमिंग करता है। वेरी गुड, क्योंकि ये जो उल्टा है ये क्लैरिफायर है उसका। तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड है ना, ये कोई भी हो सकता है, खुद सोच लो कि कौन होगा। ओके, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। ये जो भी इंसान है ना, ये किंग ऑफ कप्स, क्योंकि अपराइट आया है, किंग ऑफ कप्स इज अबाउट इमोशंस, तो ये अपना दिमाग लगा के इसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करता है। और ये जो है, ये किंग ऑफ सोर्ड जो है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विथ फैमिली का मनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि तीन लोग अगेन फिर से आ गए हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है, जिसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ही मनी होता है बाय द वे। अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो मनी जो है ये सारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, मगर ये टेन ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देखो ये टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं तुमको रियल वाला निकाल के दिखाती हूँ, तब तुमको समझ में आएगा। उल्टा यहाँ पे ही पड़ा है तो मैं, चलो लुक्स लाइक इट वॉन्टेड टू कम आउट फॉर यू गाइज। अब मैं सोच रही हूँ ना, अब एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये टेन ऑफ पेंटिकल्स है तो मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बस एक ही लड़की को देख रही हूँ, तो मुझे लगा ये शायद मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स में कंफ्यूज हल्की सी हो गई। पर फिर मुझे याद आया कि ये तो टेन ऑफ पेंटिकल्स का है, तो मैं इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बार बार क्यों बोल रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है, ये देखिए, दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दो कपल होते हैं, एक बूढ़ा सा आदमी है और कुत्ते होते हैं। बेसिकली इस कार्ड की जो एनर्जी है ये है मनी इन द फैमिली, स्टेबिलिटी इन द फैमिली, ये चीज है। और ये कार्ड के पीछे में आया है, राइट? तो ये कार्ड ऑफ द बैक ऑफ द कार्ड में आया था। अब ये कार्ड उल्टा था कि नहीं था मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई डोंट नो इफ इट वॉज। अगर उल्टा है तो समझ लो कि यहाँ पे कुछ शैडो साइड अगेन है, मानी कि फैमिली को पैसे, फैमिली को
फैमिली में पैसे रखने से रिलेटेड कुछ शैडो वर्क है रिलेटेड, इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. कुछ स्कीमिंग हो सकती है, क्योंकि अगर ये उल्टा था तो मुझे पता नहीं है ये उल्टा था कि क्या था, आई डोंट रिमेम्बर. तो अभी मैं देख तो सकती नहीं हूँ बंद करके वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है. तो ये जो कार्ड है ना, ये वाला कार्ड है फैमिली से रिलेटेड मनी. तो फैमिली से रिलेटेड मनी, फैमिली में मनी, फैमिली में ही रहे मे बी. और ये क्योंकि, और ये वाले कार्ड में क्वीन बैठी है, यू नो इट इज बोथ ऑफ देम आर द सेम कार्ड गाइज, ओके. बट दिस इज द होल फैमिली का पिक्चर है. बट सुम्बुल के केस में जो आया है ये टेन ऑफ पेंटिकल्स में, ये बंदी खा लिया ये. इसका मतलब आपको ये बहुत क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये जो टेन ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो फैमिली में पैसे रखने की चीज है, बस एक क्वीन, एक लड़की कर रही है, जो कि हमको पता भी है कि वही करती है. और ये अगर उल्टा कार्ड था तो समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ शैडो वर्क भी होगा. तो यहां पे क्योंकि एक बंदी ही फैमिली की पैसे से करता धरता है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ओके. वही चीजें रिपीट हो रही हैं. आई कैन नॉट चेंज द रीडिंग इफ बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू वांट मी टू चेंज द ईगो, देर आर सो मेनी टैरो रीडर्स, प्लीज गो एंड वॉच देम. ऑल राइट. तो क्योंकि फैमिली की वो करता धरता बनी हुई है, और एक स्कीमिंग इंसान भी है, किंग ऑफ सोर्ड है, जो कि शायद वट एवर एक्स वाई जेड, फैमिली में पैसा रहे वट एवर, यहां पे वो किंग ऑफ कप्स को बुरा कर रहा है कि क्या कर रहा है. अब ये किंग ऑफ कप्स जो है, नाइट ऑफ कप्स नहीं है, तो ये किंग ऑफ कप्स है, तो ये भी मेच्योर है, और ये भी मेच्योर है. ऑलराइट, ओके. सो हियर इज योर सिंबल, 19 इयर्स, हियर इज योर ओल्ड मैन, एंड हियर इज अनदर वन, 33 इयर्स, वट एवर, जो भी अपना देख लो. मैं तो यही बोलूंगी, ये है एक आर्च टाइप, ये है एक आर्च किंग ऑफ सोर्ड, और ये है किंग ऑफ कप्स. कप्स का अपराइट है यहां पे, हिज इन टू इमोशंस, एंड या मून का कार्ड है यहां पे. किंग ऑफ कप्स के कार्ड में वैसे मून का भी नहीं रहता है, बट यहां पे मून का रहना मुझे बता रहा है कि शायद दिस किंग ऑफ कप्स इज वेरी इंट्यूटिव. क्योंकि मुझे याद नहीं है कि किंग ऑफ कप्स में कभी भी मैंने चांद का फोटो देखा है, एंड द मून इज ऑल अबाउट इंट्यूशन. सो शायद इसको कुछ इंट्यूशन रहता होगा, आई डोंट नो, व्हाटएवर. तो आप समझ गए हो ना कि यहाँ पे हो सकता है कि ये किंग ऑफ सोर्ड जो है ना, ये इसको, दिस पर्सन को मिसलीड कर देता है गलत सलत इन्फॉर्मेशन देके. और ये वाला बात मैंने ऑलरेडी बताया ना, जब आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको देखना भी चाहिए कि आपने मेहनत जो कर रहे हो आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो, सही आदमी का डायरेक्शन, सही आदमी का मार्गदर्शन में कर रहे हो. नहीं तो क्या होगा कि सारी मेहनत पानी पे भी फिर जाएगी. जो कि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई बस फाइव ऑफ पेंटिकल्स के आगे ही बढ़ पा रहा है, यानी कि सम हाउ जस्ट काइंड ऑफ मैनेजिंग टू सर्वाइव, तो वो डिसअपॉइंटेड ही होगा ना, क्योंकि उसके सारे मेहनत का उसको जितना रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. तो यहाँ पे कुछ मिसलीडिंग स्टेप्स हो रही है. एनीवेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. इफ इट डजंट रेजोनेट्स, यू डोंट रियली हैव टू अग्री टू माई गाइडेंस. आई डोंट मेक दिस गाइडेंस फॉर यू टू अग्री टू मी. अब हम क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा अदर कार्ड लेके, दो कार्ड लेती हूँ, क्योंकि आई एम सेलिब्रेटिंग दिस इसरो सेलिब्रेशन, सो आई एम बीइंग एक्स्ट्रा जेनरस विद ऑल ऑफ यू. आई विल टेक टू अदर कार्ड्स एंड हेल्प यू विद द गाइडेंस. गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट, सो फर्स्ट टेक आउट दिस कार्ड, लेट्स सी व्हाट सुम्बुल गेट्स. व्हाट इज द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर सुम्बुल फॉर हर लाइफ. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर एनी गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल. थैंक यू वेरी मच. ओके, सरेंडर टू द स्पिरिट्स. वंस यू हैव डन एवरीथिंग, लुक एट दिस, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट. यही बात मैं आपको बता रही थी अभी. और ये दोनों सही कार्ड है दोनों, ठीक है. तो यहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया ना कि वो बहुत मेहनत कर रही है, हर चीज कर रही है. और क्योंकि वो बहुत, यही मैंने आपको बताया, वो मेहनत तो बहुत चीज कर रही है, पर अगर बस इतना ही रिजल्ट मिलेगा तो कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट विथ रिजल्ट बहुत ज्यादा है. तो थोड़ा सा डिटैच होके आप मेहनत, जैसे मैंने यूपीएससी का एग्जाम का आपको बताया ना कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मुझे तो बस इस बार क्वालिफाई कर ही जाना है, और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप कितना डिमोटिवेटेड हो जाते हो. वही चीज है. तो रिजल्ट से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत दम उसमें टनल विजन होके काम कर रहे हो. आप यहां पर पहुंचना चाह रहे हो और वहां पर बस स्नो पे ही पहुंच पाए हो. तो रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसको रिलीज करना चाहिए उसको. और दूसरी चीज है कि यस, तुम मेहनत कर रही हो तो तुम स्पिरिट पे छोड़ दो, इतना रिजल्ट से अटैच मत करो. ये दोनों कार्ड्स का कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, और दोनों कार्ड्स का मैसेज भी एक ही है. यहां पे रिजल्ट से अटैचमेंट है, रिजल्ट से अटैचमेंट मत करो.
डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है बाद में. और यहाँ पे क्या है, स्पिरिट, वंस यू हैव डन ऑल दैट एवरीथिंग इज डन फॉर द गोल. यहाँ पे देखो फिर से गोल का कार्ड आ गया, यानी कि वो अपने करियर पे ही फोकस है. टर्न द सिचुएशन ओवर टू डिवाइन, लेट द स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक टू यू. यानी कि तो मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, ये दोनों कार्ड्स ही हैं उसके. ऑल राइट, अब हम देख लेंगे कि मेरे फेवरेट डेक से निकाल के इफ देर इज एनी पॉजिटिव गाइडेंस, वॉट इज द पॉजिटिव गाइडेंस कमिंग फॉर हर. आई थिंक देर आर मोर कार्ड्स हियर. नो नो नो, वी डोंट हैव, लेट्स चेक इट आउट. Let's take this one, yeah. Yes, your intuition is correct. Take action accordingly. Exactly. Consult an expert. Wow, how beautiful is that? मैंने क्या बोला था उसको? उसको जो मार्गदर्शन ले रही है ना, King of Sword in opposite से, this is not the right person to take मार्गदर्शन. मार्गदर्शन उससे लीजिए जो कि expert है. अगर आप नौसिखिए से मार्गदर्शन लोगे अपने करियर के लिए तो गलती हो सकती है. राइट, सो दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ राइट मेंटर्स इन लाइफ. हालांकि इस बंदी को इंट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, उसे कुछ चीजें गड़बड़ लग रही हैं यहाँ पे भी देखो, पर यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का आना यही बता रहा है कि उसका इंट्यूशन उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो कि सही है. उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए, उसको उस पे मैग्नीफाइंग ग्लास डाल के अगर आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चीजें सही नहीं लग रही हैं तो उसको उस पे चिंतन मनन करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए. अगर इसको इग्नोर करेगी, अपने इंट्यूशन को इग्नोर करेगी, देन शी माइट बी लेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन. या रॉन्ग डायरेक्शन से मेरा बेसिकली मतलब है कि फल सही मार्गदर्शन करके सही डायरेक्शन में जाइए ताकि आपने जितना मेहनत किया है उसका थोड़ा तो फल आपको मिले. ऑल दिस, सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर रीडिंग. Do let me know what you feel about the reading, and thank you so much for watching, guys, and I will see you again. Take care, bye for now.